मैंने अपने जीवन में तीन चुनाव तो मैंने खुद लड़े हैं, तीन चार लड़ाने में सहयोगी रहा, चीफ एजेंट क्या बोलते हैं उसको, चीफ एजेंट जी, ठीक, प्रत्याशी के बाद। लेकिन मैंने इतनी भीड़ और इतना उत्साह और इतना प्यार पहली बार जीवन में देखा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और आप सभी को पता ही है कि हरियाणा के कैसे प्रत्याशी सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिनका नाम पहले से यानी कि टिकट बटने से पहले ही जिन्होंने राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी थी। सतपाल ब्रह्मचारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लगातार दौरे करने लग रहे हैं, ऑफिस के उद्घाटन करने लग रहे हैं। ऑफिस के उद्घाटन पर भी इतना जनसैलाब उमड़ने लग रहा है मानो कि कोई रैली करने लग रहे हैं। सुभाष गंगोली जो सफीदो विधानसभा क्षेत्र से MLA हैं, साथ में 22 सांसद हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई सबको। और ठीक ठाक है जी? बढ़िया एकदम। कैसा लग रहा है, कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है? ऑफिस जैसे ही आप उद्घाटन करने लग रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जन सैलाब उमड़ने लग रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सोनीपत गोहाना जहाँ जहाँ भी आज 4 या 5वां आज उद्घाटन है, ये झुलाना जींद सफेदों और ये पिल्लू खेड़ा, मैंने अपने जीवन में तीन चुनाव तो मैंने खुद लड़े हैं, तीन चार लड़ाने में सहयोगी रहा, चीफ एजेंट क्या बोलते हैं उसको, चीफ एजेंट जी, ठीक, प्रत्याशी के बाद। लेकिन मैंने इतनी भीड़ और इतना उत्साह और इतना प्यार पहली बार जीवन में देखा, अपनापन पहली बार मैं यहाँ सफेदों में सभी जगह। सोनीपत का जो उद्घाटन था हमारा कल 10 बजे, वो ऐतिहासिक भीड़ थी। आम लोगों ने बताया कि इतनी भीड़ कभी भी नहीं हुई, और इस उत्साह को देखते हुए मुझे अब जचता है कि हम काफ़ी वोटों से जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर के जनता से रूबरू होंगे, क्या मुद्दे रहेंगे सतपाल जी, क्या मास्टर प्लान रहेगा? विकास का मुद्दा है, आप कोई भी लिंक रोड देख लें, ठीक है बड़े रोड बने होंगे लेकिन इतने खराब हैं। अब 2-4 दिन में देखा, हम भी कहते थे भाई हरियाणा नंबर 1 था, लेकिन अब पता लगा हरियाणा 5वें 7वें नंबर पर है। कांग्रेस की जब सरकार थी, हुड्डा साहब CM थे, तो एक TV में नहीं आता था हरियाणा नंबर 1, चाहे खेल हो, कबड्डी हो, व्यापार हो, उद्योग हो, सर्विस हो, नौकरी हो, और भ्रष्टाचार भी इतना बढ़ गया। आप देखते हैं गुंडागर्दी, सरेआम गाड़ी उठा लेते हैं, लूटपाट है, मर्डर कर देते हैं। इसका खात्मा करने के लिए कांग्रेस की सरकार जरूरी है भाई, नहीं तो ये बिहार बन जाएगा प्रदेश आने वाले समय। विधायक जी, BJP कह रही है बड़े जोश के साथ कि अब की बार 400 पार, मुझे दिखाई देता है वो 400 पार है। 400 पार है। हाँ, 543 में 400 आ रहेगी, ये आज कहने लग रहा हूँ जिस दिन 4 तारीख को शाम ने फिर फेंट लिए। मतलब बहुत जी। मतलब आपने देखा एक आदमी का, वहाँ सूरत की बात है, गुजरात में उसने नामांकन किया, 2 या 5 प्रस्तावक नहीं होते उसमें, वो प्रस्ताव उठा के ले गए और जब वो भरने गया उसका प्रस्तावक वहाँ था ही नहीं, फार्म में नाम लिख चुके थे। इस हथकंडे पर अगर राजनीतिक पार्टी आ जाती है तो उससे गिरी बात नहीं हो सकती। इतना अहंकार, जिसके 4 पाव होते ना जो साइन कर देते हैं प्रस्तावक, वो प्रस्तावकों को अपहरण कर लिया। 5-5 करंट के जो विधायक है वो आपके साथ है, कैसा उनका समर्थन? समर्थन तो उनकी रोज लड़ाई होती है। अच्छा, किस बात पे? कि भाई मैं पहला नंबर मेरा है, दूसरा मेरा है, तीसरा इसका है, चौथा इसका है। हमारे यहाँ भालू विधायक का नाम सुना होगा आपने, सुभाष जी से शर्त लगा रखी है बड़ी मोटी, बोला या तो आप दे देना या मैं दूंगा, और आपसे ज्यादा वोट, रिकॉर्ड तोड़ मतों से वोट कि मैं जितवाऊंगा बड़ौदा से। लेकिन कम हमारा भी शेर नहीं भाई, हाँ बोला भाई चिंता ना करे प्यारे, तेरे तो आगे लेके आऊंगा। क्या अपील करेंगे जो सफेदों की जनता है, सोनीपत की जनता है, क्या अपील करेंगे? मैं तो खासकर जींद जिला के जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और उनमें सफेदों विधानसभा क्षेत्र की और भी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। जींद जिला के मतदाताओं ने इस पार्टी प्रोटोकॉल, राजनीतिक दल किसका समर्थक है किसका नहीं है, उन सब बातों को छोड़कर जींद को वोट देना है, जींद का MP बने। और जब जींद एक तरफा वोटिंग कर देगा, यहाँ लाखों वोटों से 3 विधानसभा क्षेत्रों में जब उम्मीदवार जीत के जाएगा तो हर पार्टी को ललायत होगी इस बात के लिए, भाई जींद में दे दो, ये MP तो जींद वाले बनाए हैं जी। तो मैं तो ये कहता हूँ चुनाव, हर चुनाव मुद्दे पर होता है, लेकिन एक जींद के लोगों ने कि एक मुद्दे के ऊपर वोटिंग करनी चाहिए कि जींद का MP बना है,
जिसे जींद की मजबूती मिले, लेकिन इसमें सपीदों विधानसभा क्षेत्र की और ज़्यादा जिम्मेवारी है। सपीदों विधानसभा क्षेत्र में इस पीलूगढ़ ब्लॉक की इससे भी ज़्यादा जिम्मेवारी है कि सारी चीज़ें के घर मान लग रही है। के वार्ड में बता है पी मेरे पार्षद का एम पी बनेगा, मेरे पार्षद का मेरे वार्ड का एम एल ए है। बिल्कुल, तो इन लोगों की ज़्यादा जिम्मेवारी है। राज का आपने जोश देखा भी होगा, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का उनका कार्यकर्ता को एजेंट पावा को हमने ही बनाना पड़ेगा उनखड़िया ग्रहण करते। चलो भाई, फिलहाल सतपाल जी आप क्या अपील करेंगे सोनीपत की जनता को, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं अभी। मैं ये अपील करता हूँ कि वे सुबह 5 बजे से लेकर और शाम 5 बजे तक इतनी लंबी लाइन दिखाई देगी, इतिहास बन जाए आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तक लाइन नहीं टूटी। चलो भाई, फिलहाल सतपाल जी महाराज हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे, वीडियो को शेयर करे। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जो भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।